हेलो, स्वागत है आप सबका सपना विशाल ब्लॉग में। ये ब्लॉग कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है, प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो आगे तक भी पहुंचाइएगा। ये ब्लॉग पूरा लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा पे है, स्टेप बाय स्टेप है। 5 दिन की प्राण प्रतिष्ठा मैंने 5 दिन में करी है, 5 घंटे में करी है सॉरी। तो इसको आप लोग देखना। ये मैंने एक साफ़ बर्तन लिया है, साफ़ कपड़ा लिया है, पहले पीला हो या लाल हो, मेरे पास पिंक था मैंने वही बिछा दिया। और मैंने स्टील का एक साफ़ बर्तन लिया है, उसमें स्वास्तिक का निशान बनाया, लड्डू गोपाल जी को लिया और उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी। ये पट्टी क्यों बांधी जाती है इसका भी मैं रीज़न भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने उनको अनाज में रखा, क्योंकि हमारे घर में सबसे मेन होता है अनाज। तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को अनाज में लिटाया। वो ऐसे तो 1 दिन के लिए किया जाता, पर मैंने 1 घंटे के लिए किया। और उसके बाद मैंने दूसरा साफ बर्तन लिया, उसमें भी स्वास्तिक का निशान बनाया, स्टील का हो या पीतल का हो या तांबे का हो, आप ऐसे बर्तन ले सकते हैं। फिर मैंने आपके लड्डू गोपाल बहुत छोटे हो तो छोटा बर्तन, बड़े हो तो बड़ा बर्तन। फिर मेरे घर में मेन होती है सब्जियाँ, फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को जो है उसमें से निकाला और फिर मैंने सब्जियों में लड्डू गोपाल जी को अच्छे से ढक दिया। मतलब आप इतना करो कि पूरे ढके होने चाहिए, इतना आप अनाज लो या फ्रूट लो या सब्जी लो, जो भी लो। अब ये 1 घंटे बाद मैंने, एक घंटे का किया था मैंने, 1 घंटे बाद मैंने फिर तीसरा बर्तन लिया और उसमें भी स्वास्तिक का निशान बनाया। वो भी मेरा बर्तन स्टील का था और छोटू से मेरे लड्डू गोपाल हैं तो मैंने छोटू सा बर्तन लिया। फिर मेरे पास फ्रूट थे, मैंगो का सीज़न चल रहा था, हमने कहा सबसे बढ़िया मैंगो है, मैंगो से बढ़िया कुछ नहीं है। वैसे तो फ्रूट सब मार्केट में मिलते हैं, बट मैंगो अभी सीजन ही है तो मैंगो से हम करते हैं। तो हमारे घर में मैंगो रखे हुए थे, फिर मैंने मैंगो से 1 घंटे के लिए उनको ढक के रख दिया। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को निकाला, हो गए 3 स्टेप। ये चौथा स्टेप है भगवान जी का, ये मैंने फूल से इनको ढक के रखा। ये भी मैंने सेम वैसे ही 1 घंटे के लिए इनको जो है ढक के रख दिया। और बाकी की तैयारियां मैं कर रही थी, उधर प्रोसेस चल रहा था, मैं सारे पूरा दिन मतलब लग गया था मेरा, मैं पूरा दिन लगी रही और ये सारा सब कुछ इनका किया धरा था। लड्डू गोपाल की सेवा करना, सब कुछ लाना, सजाना और करना सब इनका ही था। अब ये हो गए 4, चौथा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। 3 प्रोसेस हो गए हैं, ये चौथा प्रोसेस है। अब 4 प्रोसेस हो गए हैं, सॉरी 5वां प्रोसेस है। फिर मैंने इनको जो है स्नान कराया है दूध से, पहले दूध से इनको स्नान कराते हैं। स्नान कराओ, खूब रगड़ रगड़ के साफ करो, फिर उसका दूसरा स्टेप है। फिर मैंने दही से स्नान कराया है, ये मैंने वहाँ के पंडित जी से ही पूछ लिया था कि पंडित जी इसकी करनी कैसे है, क्योंकि हमने 5 घंटे में इसलिए कर दी है क्योंकि हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं और हम भी ऑफिस जाते हैं। अगर मैं 5 दिन का लेके बैठती और हम लोग गर्ल्स हैं तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम अगर बीच में हो जाती है तो फिर वो रुक जाता वहीं का वहीं। तो हमने कहा कि पंडित जी कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम लोग इसको ऐसे कर लें, और हमारे घर में भी कोई प्रॉब्लम भी हो गई थी, किसी की डेथ भी हो गई थी, तो वो भी हमारे परिवार का मतलब मैटर था, तो उसमें भी जो है काब तो खैर सब कुछ हो गया था। फिर मैंने जो है पंडित जी ने मुझे बताया कि आप ऐसे कर सकते हो, मतलब अगर 5 दिन में नहीं तो आप 5 घंटे में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल समय की व्यस्तता सबके पास है और जो है सब ऐसे ही करते हैं, तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बस विधिवत करो सब कुछ। समय नहीं है तो समय को आप एडजस्ट कर लो। फिर भगवान जी को ये देखो सुंदर से कपड़े, ये मतलब भगवान भी मेरे वृंदावन के हैं, उनके कपड़े भी वृंदावन के, उनका आसन भी वृंदावन के। क्योंकि मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं थे, मैं सेवा इतनी नहीं कर पाती, मैं ड्यूटी जाती, हस्बैंड भी ड्यूटी जाते टाइम टू टाइम, लेकिन मेरी बेटी ने भार संभाला, उनको आना था तो वो आ गए हैं। ये सारा सब कुछ अरेंजमेंट मेरी बेटी ने किया था। फिर मैंने खाने का तो मैंने लेना भूल गई थी, फिर मैंने 5 तरीके के जो भी मेरे घर में थे, मैंने मार्केट से कुछ भी नहीं लिया था, मतलब ऐसी कोई तैयारी नहीं करी थी, जो भी मेरे घर में था मैंने सब कुछ घर से किया था। घर में 5 तरीके का मैंने वो रखा, भोग लगाया, और उसके बाद मैंने घर में थोड़ा पूड़ी उड़ी खीर बना ली थी, उससे भी मैंने भोग लगाया। फिर मेरे बाबू ने आरती करी और घर में सबको आरती दिया और पूरे घर में आरती किया और लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर दिया। तो ये अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो आप आगे भी शेयर करना, कोई गलती हो तो बताना।